श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पाताल लोक का अद्भुत रहस्य क्या है। बहुत दफा हमने सुना कि पाताल लोक में कौन रहता है। पाताल लोक पुराणों में वर्णित एक लोक माना जाता रहा है। कई लोग इसे नकारते हैं तो कई लोग इसे मानते भी हैं। पाताल लोक को समुद्र के नीचे का लोक भी कहा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पाताल लोक के बारे में और उसके रहस्यों के बारे में। इस भूभाग को प्राचीन काल में प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया था। हमारे पूरी पृथ्वी को इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, पूरा जो भूमंडल था, पूरा जो पृथ्वी है। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आसमान तक, पृथ्वीलोक अर्थात जहां भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है, और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर तक के लोक। पाताल लोक भी सात प्रकार के बताए गए हैं। जब हम यह कहते हैं कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था, तो किस पाताल का, यह जानना भी जरूरी है। सात पातालों में से एक पाताल का नाम पाताल ही है। अब कौन रहता है वहां? हिंदू धर्म में पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई है। नीचे से अर्थ है समुद्र में या समुद्र के किनारे। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बाली को भगवान विष्णु ने पाताल लोक के सूतर लोक का राजा बनाया और वो तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराने के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित है, जो अष्ट चिरंजीवी है उसमें राजा बलि भी है, और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ब्रह्मलोक है। धरती शेष पर स्थित है, शेष अर्थात खाली स्थान। खाली स्थान में बचा हुआ स्थान ही होता है। हिंदू इतिहास में या हिंदू इतिहास ग्रंथ पुराणों में त्रैलोक का वर्णन मिलता है। ये तीन लोक हैं, कृतक त्रैलोक, महरलोक और अकृतक त्रैलोक। कृतक और अकृतक लोक के बीच महरलोक स्थित है। कृतक त्रैलोक जब नष्ट हो जाता है तो वह भस्म रूप में महरलोक में स्थित हो जाता है। अकृतक त्रैलोक अर्थात ब्रह्म लोकादि जो कभी नष्ट नहीं होते। अभी विस्तृत वर्गीकरण के मुताबिक मैं आपको 14 लोक बताता हूं। सात तो पृथ्वी पर शुरू करते हुए ऊपर और सात नीचे। ये हैं भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। इस तरह नीचे वाले लोक हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। अब हम बताते हैं आपको कृतक त्रैलोक के। कृतक के त्रैलोक जिसे त्रिभुवन भी कहते हैं, पुराने के अनुसार यह लोक नश्वर है। गीता के अनुसार यह परिवर्तनशील है, इसकी एक निश्चित आयु है। इस कृतक त्रैलोक के तीन प्रकार हैं, भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक। स्वरलोक मतलब स्वर्ग। हम भूलोक के बारे में बता देते हैं पहले आपको। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह पृथ्वीलोक कहलाता है। हमारी पृथ्वी सहित और भी कई पृथ्वियां हैं, इसे भूलोक कहते हैं। फिर है भूवरलोक। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल होता है। और एक होता है स्वरलोक। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि का मंडल है। अब मैं आपको बताऊंगा भूलोक की स्थिति। पुराने के अनुसार भूलोक को कई भागों में विभक्त किया गया है। इसमें भी इंद्रलोक, पृथ्वी और पाताल की स्थिति का वर्णन किया गया है। हमारी इस धरती को भूलोक कहते हैं। पुराणों में संपूर्ण भूलोक को सात द्वीपों में बांटा गया है, जम्बू, प्लच, सलामली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। जम्बद्वीप सभी के बीचों बीच में है। सभी द्वीपों में पाताल की स्थिति का वर्णन मिलता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक से संबंधित असंख्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती के कान की बाली मतलब जो मणि था यहां गिर गई थी और पानी में खो गई। खूब खोज खबर की गई लेकिन मणि नहीं मिली। बाद में पता चला कि मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुंच गई है। जब शेषनाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुफकार मारी और धरती के अंदर से गर्म जल फूट पड़ा। गर्म जल के साथ ही मणि भी बाहर निकल पड़ी। पुराणों में पाताल लोक के बारे में सबसे लोकप्रिय प्रसंग भगवान विष्णु के अवतार वामन का राजा बलि का ही माना जाता है। बलि ही पाताल लोक के राजा माने जाते थे। रामायण में अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाने पर श्री हनुमान जी वहां जाकर अहिरावण का वध करने का प्रसंग आता है। इसके अलावा भी ब्रह्मांड के तीनों लोकों में पाताल लोक का धार्मिक महत्व बताया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं पाताल लोक जाने का रास्ता। अपनी धरती पर कई ऐसे स्थानों को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक, पाताल भुवनेश्वर इत्यादि इत्यादि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी कई स्थान ऐसे होते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर तो जल है। पाताल लोक की कल्पना नहीं है, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं कि ऐसी कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका किसी को पता नहीं है। कहते हैं कि जोधपुर के पास भी ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं हैं। यहां पर अंधेरी गुफाओं में देवी देवताओं के सैकड़ों मूर्तियों के साथ एक ऐसा खंभा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक होने का जिक्र है। यहाँ नाग संप्रदाय भी रहता है। सेम चीज भुवनेश्वर में, सब कहते हैं कि वो पाताल लोक, यहाँ पे नाग बहुत मिलते हैं उड़ीसा में। फिर समुद्र तटीय और रेगिस्तान इलाके भी पाताल कहलाते थे। प्राचीन काल में समुद्र के तटवर्ती इलाके और रेगिस्तानी क्षेत्र को पाताल कहा जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल में धरती के तटवर्ती इलाके और खाड़ी देश को पाताल माना जाता था। राजा बलि को जिस पाताल लोक का राजा बनाया गया था उसे आजकल सऊदी अरब का क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता है कि मक्का क्षेत्र का राजा बलि ही था और उसी ने शुक्राचार्य के साथ रहकर मक्का मंदिर बनवाया था। प्लीज मैं अपने किसी भी मुस्लिम भाई को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। हालांकि यह शोध का विषय है। माना जाता है कि जब देवताओं ने दैत्यों का नाश कर अमृत पान किया था तब उन्होंने अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग पाताल में ही रख दिया था। अतः तभी से वहां जल का आहार करने वाले असुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। यह अग्नि अपनी देवताओं से नियंत्रित रहती है और वह अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती है। इसी कारण धरती के अंदर अग्नि है अर्थात अमृतमय सोम। सोम मतलब जल। अमृतमय सोम की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मृत प्राय पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पुनः जी उठते हैं। पुराणों के अनुसार भूलोक यानी पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के लोक हैं, जिनमें पाताल लोक अंतिम है। पाताल लोक को नाग लोक का मध्य भाग बताया गया है। पाताल लोक की संख्या 7 बताई गई है। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई 70 सहस्र योजन है। इसके नीचे 7 लोक है जिनमें क्रम अनुसार पाताल अंतिम नगर अंतिम है। 7 पातालों के जो नाम है वो है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। 7 प्रकार की पाताल में जो अंतिम पाताल है वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली मतलब पथरीली, स्वर्णमयी है। वहां दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों और मत्स्य कन्याओं की जातियां वास करती हैं। वहां अरुण नयन हिमालय के समान ही पर्वत भी है। ये सब विष्णु पुराण में वर्णित है। कुछ इसी प्रकार की भूमि रेगिस्तान की भी रहती है। अतल
अतल में मै दानव का पुत्र असुर बल रहता है, उसने 96 प्रकार की माया रची थी। फिर है वितल, उसके वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां के हाट का नाम की एक सुंदर नदी बहती है। फिर है सुतल, वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं, वामन रूप में भगवान ने जिनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर है तलातल, सुतल के नीचे है तलातल, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मैं रहता है, मैं दानव विश्वों का परम गुरु है। फिर है महातल, उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है, उनमें कहुक तक्षक कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। फिर है रसातल, उनके नीचे रसातल में पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, ये निवातकवच काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं, इनका देवताओं से सदा विरोध रहता है। और फिर है पाताल, रसातल के नीचे पाताल, वहां संड कुलिक महासंडु श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबल अचतर और देव दत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग भी रहते हैं, इनमें वसुकी प्रधान है, उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मनिया अपने प्रकाश के पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। अब मैं ये जो कहा जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये पुराणों के हिसाब से है, इसमें मैंने कहीं भी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ दिया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।